भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक नया नारा दिया है। डिजिटल भुगतान को जनता के लिए बेहतर अनुभव बनाने के हर संभव प्रयास में लगे रिजर्व बैंक का नारा है, कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन, यानी नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। रिजर्व बैंक का कहना है कि देश में नोटबंदी के बाद से प्रचलन में नोटों की संख्या में 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है। इस स्थिति से उत्साहित केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए और जोर शोर से प्रयास शुरू कर दिए हैं। देश में लेन देन को नगद से इलेक्ट्रॉनिक तरीके में ले जाने की प्रगति का आकलन करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि देश में नगद में कितना भुगतान होता है उसको लेकर कोई सही सही माप तो नहीं है, लेकिन डिजिटल तरीके से होने वाले भुगतान को पूरी तरह से मापा जा सकता है। केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2016 के दौरान प्रचलन में जारी नोटों में औसतन 14% की दर से बढ़ोतरी हुई है। इसके आधार पर अक्टूबर 2019 में प्रचलन में नोटों का मूल्य 26,04,953 करोड़ रुपए होना चाहिए था, लेकिन ये वास्तव में 22,31,090 करोड़ रुपए रहा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि डिजिटलीकरण प्रचलन में 3.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के नोटों की जरूरत कम हुई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान डिजिटल तौर तरीकों से लेन देन में कुल मिलाकर मात्रा के लिहाज से 61% और मूल्य के लिहाज से 19% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आंकड़े डिजिटल भुगतान की तरफ बढ़ते रुझान को बताते हैं। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि नगद राशि का अभी भी प्रभुत्व बना हुआ है, लेकिन इसे अब भुगतान के लिए इस्तेमाल करने के बजाय एक आर्थिक संपत्ति के तौर पर मूल्य के रूप में देखा जा रहा है।